इंदौर अंगदान करने में देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है। वहीं इंदौर के अंगदान सेंटर सोटो को भोपाल निश्चित किया गया है। इससे इंदौर की समाज सेवी संस्थाएं और जन प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सेंटर को इंदौर में रखने की मांग की है। वहीं इंदौर कमिश्नर पवन शर्मा ने अंगदान प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। अंगदान करने में इंदौर शहर का विशेष स्थान है और यहाँ पर अंगदान प्रणाली को सुव्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा ने अस्पतालों को नए निर्देश भी जारी किए हैं। जिस व्यक्ति को अंगदान की रिक्वायरमेंट होगी उसका क्रम भी ऑनलाइन देखने की प्रक्रिया बनाई जा रही है। वहीं कोरोना काल में व्यवस्थाओं में हो रही कमी को अब दूर किया जा रहा है। बुधवार को कमिश्नर कार्यालय में बैठक के दौरान अंगदान समिति के सेवादार, इंदौर सांसद और अन्य भी शामिल हुए, जिसमें सहमति बनी है कि जल्द ही समाज हित में बेहतर निर्णय लेकर अंगदान प्रक्रिया को और ज़्यादा पारदर्शी और सुदृढ़ बनाया जाएगा। इसके उचित का मूल्यांकन करना हमारे लिए ठीक नहीं है। इस पूरे कार्य के लिए जिस तरह का इंदौर शहर वासियों ने रोज प्रकट किया इन दो दिनों में, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हम इंदौरवासी बहुत संवेदनशील हैं परोपकार के कार्य में। और जैसा भगवान की कृपा है कि इंदौर जो है वो बहुत उदार जनप्रतिनिधियों से समृद्ध रहा है, तो माननीय लालवानी साहब, माननीय ताई जी और शेष विधायकगण भी सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि जो ये अनुचित निर्णय हुआ है इसका सरकार के पास में आग्रह रखें और जो सोटो की व्यवस्था है उसे इंदौर में बनाए रखें। और सोटो जो है वो तो राज्य स्तरीय कार्य के लिए था, उसके पूर्व जो संभाग स्तरीय कार्य हैं जो हमने पहले तक करके दिखाए हैं, हम उसको करने के लिए आज भी प्रतिबद्ध हैं और उसमें अच्छा सा काम करके दिखाएंगे।